पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिहार में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पेशी के लिए देर रात मधेपुरा सिविल कोर्ट खुला, जहां से पप्पू यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले मंगलवार को पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव के समर्थकों में भारी विरोध देखा गया और इसी बीच मधेपुरा उन्हें लाया गया। रात के लगभग 11 बजे 30 से ज्यादा गाड़ियों के काफिलों के साथ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया। मधेपुरा कोर्ट के कर्मचारी अपने कार्यालय पहुंचे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पप्पू की पेशी हुई। पेशी के दौरान पप्पू ने कोर्ट के सामने अपनी बीमारी का भी हवाला, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मंत्री मुकेश सहनी के बाद जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री मनोजी हसन का साथ मिला है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो जारी करते हुए कहा कि पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वो गरीब, लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो इसमें छपरा डीएम की होनी चाहिए, राजीव प्रताप रूड़ी की होनी चाहिए। इस मुसीबत के समय जब पप्पू यादव एक मसीहा के रूप में काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी बहुत ही निंदनीय विषय है। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज से जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के तालिबानी फरमान के खिलाफ राज्य भर में जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ऐसे में जब बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या किसी पार्टी के समर्थकों या कार्यकर्ताओं को ऐसा करना शोभा देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है।